हेलो एवरीवन, दिस इज मी सूरज सिंह। आज आप लोगों के लिए एक बेहद स्पेशल मैं आर्ट एंड क्राफ्ट लेके आया हूँ। मेरी स्पेशलिटी आप लोगों को पता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, मूवी मेकिंग एंड फोटोशॉप। ऐसी बहुत सी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पे लगातार लेके आता रहूँगा। आज का जो टॉपिक है वह है आर्ट एंड क्राफ्ट, वॉल एंड आर्ट। हम वॉल पे काफ़ी सारा आर्ट करते हैं जिससे कि हमारे घर की दीवारें काफ़ी अच्छी लगती हैं, और बहुत से लोगों को पसंद भी होगा कि वो अपने घर में जब रहें अपने आसपास एक अलग सा और प्यारा सा वो इन्वायरमेंट बना के रहें। तो इसी के बीच में मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा वॉल आर्ट लेके आया हूँ, जिसमें आप अपने घर में खूब सारी बटरफ्लाई लगा सकते हो, और वो बटरफ्लाई लगने के बाद आपका घर एकदम अमेजिंग टाइप का दिखेगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें आखिरी तक। अभी मेरे देख रहे हो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के बटरफ्लाई मैंने थोड़े से पहले से कट करके रखे हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये बटरफ्लाई आप कैसे बना सकते हो और इसको घर में कैसे डेकोरेट कर सकते हो। तो इनको हम पहले साइड कर देते हैं, जो मैंने पहले से थोड़े बहुत बना रखे हैं। इस पूरे बटरफ्लाई को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे तीन चीज़। सबसे पहला आपको चाहिए होगा एक सीजर, जिससे आप ये सारे पेपर्स की कटिंग करोगे। दूसरा, आपको ढेर सारे थोड़े से हार्ड पेपर चाहिए होंगे, जो कि जल्दी से मुड़े नहीं, मतलब नॉर्मल पेज पेपर आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते, थोड़े से हार्ड पेपर, जैसे कि हम काइट बुक पेपर बोलते हैं, सीट पेपर बोलते हैं, और भी इसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि पेस्टल सीट हो गया, हार्ड पेपर हो गया, हैंडमेड पेपर हो गया, कलरफुल पेपर हो गया। आप इसमें दो तरीके के पेपर यूज़ कर सकते हो, एक जो रियूजबल होते हैं और दूसरे जो मार्केट में नए पेस्टल सीट आपको मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम इसको बनाने का फंडामेंटल समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे हाथ में एनालॉग है, रियूजबल एनालॉग है, डेविस्ट है, तो मैं इसमें आप लोगों को एक कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग ये बटरफ्लाई कैसे ड्रॉ करोगे और इसको कैसे कट करना है। सबसे पहले आपको कोई भी लेना है एनालॉग, मान के चलिए अगर आपके पास में सिंगल पेपर है, ये तो मेरे पास में ऑलरेडी डबल है, जैसे कि ये डबल है आपके पास में, अगर मान के चलिए सिंगल होगा, वो अभी मैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे सिंगल में भी करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास में ऐसा कोई डबल हो जिसकी एज यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई है, तो आपको सिंपल उसको लेना है, उसके ऊपर में एक छोटा सा बटरफ्लाई ड्रॉ करना है। बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए जो तरीका है वो भी मैं आपको इसमें दिखाता रहूंगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, मैंने एक साइड का ऐसे हाफ ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करते टाइम आपको दो बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है, सारी बटरफ्लाई जो होंगी आपकी एक साइज की नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, बटरफ्लाई के जो ये आपके ऊपर की इसके फिन्स देख रहे हो, जो इसका हम लोग पंख जिसको बोलते हैं, जब आप ये पंख बनाओगे ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आप उसको कितने क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो। मैंने ये एक सिंपल तरीका लिया है आपको समझाने के लिए। अब आगे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बटरफ्लाई ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा अलग उसके वो ड्रॉ करूँगा। ये देखिए दोस्तों, आप ये यहाँ पे दूसरे तरीके का बटरफ्लाई देख रहे होंगे। ये मैंने दो तरीके के बटरफ्लाई बनाए हैं आपको समझाने के लिए। आप इनके फिन्स के साथ में बहुत सारे अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, और बहुत तरीके हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। जब आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है, तो सिंपल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पेपर आपको खोलना नहीं है, सेम आपको ये एज मेंटेन रखना है। इससे आपको ये लाइबिलिटी मिलेगी कि आपको एक साइड की अगर आप कटिंग करोगे तो दूसरी साइड की ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं आपको ये कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। सिंपल घर में कोई भी नॉर्मल कैंची ले लेना, कैंची वही लेना जिससे आप कंफर्टेबली काम कर सको, ब्लेड सीजर लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इससे आपके हाथ कटने के पूरे चांसेस हैं। आपको सिंपल सा सीजर लेना है, और जो आपने स्केच ड्रॉ किया है इसी के फॉलो करना है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसके आगे का, ये जो कट करने में अक्सर मेरे को भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को आपको कैसे कट करना है, आपको यहाँ से ये पूरा पेपर ऐसे कट कर लेना है। जैसे ही आपके इसके पास आ जाता है, आप यहाँ रुक जाइए, इसके आगे आपको जरूरत नहीं है कटिंग करने की। ये देखिए दोस्तों, आपका बटरफ्लाई बनके तैयार हो चुका है। ये आपको देखने में वन साइड दिख रहा है, पर जैसे ही आप इसको खोल दोगे,
यस, आपका पूरा बटर फ्राई तैयार है। आप इसको कई अलग अलग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आप तो इसको घर को डेकोरेट करने में कर सकते हो। दूसरा, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको क्रिएटिव तरीके से अपने नेम स्लिप लगाने का वो बहुत क्रेज़ होता है, तो वो लोग भी इसके ऊपर में अपना इस साइड पे इसके एनालॉग का लिया है, एनालॉग पे पोली टैग चिपका था, तो मैं इसको हटा देता हूँ जिससे पेपर से मैं लिख सकूँ। ये निकल नहीं रहा दोस्तों, कोई नहीं, मैं दूसरे बटरफ्लाई पे आपको दिखा देता हूँ लिख करके, जिस पे नहीं लगा। इस तरीके से आप इस पे नाम लिख करके पूरे के ऊपर ग्लू अप्लाई करोगे बैक साइड में। ग्लू आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, पीछे की तरफ में अप्लाई करना है, जिस साइड पे आपका ये चीज आपने ड्रॉ कर रखा है। और अगर आपको इसको और भी ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो आप इरेजर लेकर के आउटलाइंस मिटा सकते हो। तो आप ऐसे सिंपल से इसके ऊपर में ग्लू लगाइए, और अपने किसी भी नोटबुक या किसी भी उसके ऊपर में इजीली पेस्ट करके अपना नाम लगा सकते हैं। मैं आपको इस पेपर पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये भी वेस्ट पेपर है मेरे लिए। आप इस तरीके से इसके ऊपर में ऐसे लगा करके बेहद प्यारा सा अपने कॉपी के लिए नेम स्लिप ले सकते हो, अपने फ्रेंड को बर्थडे कार्ड पे, जो हम लोग बेस्ट विशेस के लिए अलग अलग तरीके की स्लिप ढूंढते हैं, आप लोग उस पर भी ऐसे लगा सकते हो। ये दो बटरफ्लाई मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर मान के चलिए आपके पास में पूरा का पूरा ऐसे लंबा पेपर हो, लंबा पेपर होगा तब आप कैसे करोगे? आपको तब सिंपली क्या करना है, पेपर को सबसे पहले आपको ये देखना है पेपर कहाँ से मेरा ठीक है। तो मेरा पेपर ये यहाँ साइड साइड से फट रहा है, तो मैं इसे साइड साइड से नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, अपने पेपर के ऐसे सेंटर से इसको ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ। ऐसे सेंटर से फोल्ड होने के बाद में आपके पास में फिर देखना दो साइड आ जाएगा। और यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या दिक्कत करते हैं या मोस्टली लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वो लोग जिस साइड से उनके पास में ज़्यादा एरिया होता है वो उस साइड बटरफ्लाई ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उस साइड से ये बटरफ्लाई ड्रॉ करना चाहिए जिस साइड से हमारे पास में एरिया कम हो। इससे क्या होगा, हमको ये पता लगता रहेगा कि हमको अपने बटरफ्लाई की फिंस कहाँ तक और कितनी रखनी है। और इसकी कटिंग का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको वॉल आर्ट पे पेस्ट करने जा रहे हो तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना होगा साइज का। तो सीक्वेंस साइज का मेंटेन करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमने पहले से कटिंग कर रखी है उसको हम इस पर रख लेते हैं और इसके चारों तरफ से इसकी हम स्टेंसिल कर लेते हैं या आउटलाइंस कर लेते हैं। अब तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे मेरे हाथ में आउटलाइंस आ चुकी हैं। अब मैं इस आउटलाइंस को भी कट कर देता हूँ। कट करने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा है। तो जैसा आप देख रहे हो मेरे टेबल पे मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज के, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे कई सारे बटरफ्लाई बना लिए हैं। अब चलो इनको मैं आपको पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम इसको वॉल्स पे चिपकाते हैं तो किस सीक्वेंस में और किस तरीके से हमें पेस्ट करना है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी ये फोटोग्राफ में देख रहे हो कि यहाँ पे हमने सारी की सारी बटरफ्लाई की प्लेसमेंट करी है। इस पूरे प्लेसमेंट में आपको सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है। ये दो चीज़ ये है कि कोई भी बटरफ्लाई एक के पीछे एक मत चिपकाना, और दूसरा, बटरफ्लाई जितने भी बड़े साइज की आप कटिंग करोगे उसको आगे चिपकाना, और जो छोटे साइज की बटरफ्लाई होगी उसको पीछे की तरफ चिपकाना। इससे क्या होगा कि आपका वो देखने में लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। और नेचर का सबसे बड़ा रूल है, बड़े लोग आगे चलते हैं, छोटे लोग पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका घर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आप अपने किसी दोस्त को ये चीज़ ट्रिक सिखाना चाहते हो उसके साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसके साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो, मुझे मतलब नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।